सीधी माँ खाद्य वितरण प्रणाली का लेके सवालिया निशान उठ रहे हैं। हालात यह कि सीधी माँ अब वरिष्ठन का एक एक हितिर कहो न कहो मोर्चा संभाले के पर रहा है। और हालात यह कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा और पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान के द्वारा यह बे सीधी के जिला प्रशासन से शिकायत की इंजाल लाग है कि यह खाद्य वितरण प्रणाली में लगातार घोटाला हो रहा है, किंतु सुनवाई नहीं हो लगी। आज पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में। अब हम कोशिश करी थे बात करें कि आखिर समस्या कहाँ है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल भामकर तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी वास्तविक समस्या के। हमारे साथ आनंद सिंह चौहान जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस। का कहब यह पूरे घोटाला का लेके जो खाद्य वितरण प्रणाली में होल लागी, जो यह व्यवस्था जो है अव्यवस्था में तब्दील होल लागी, काहे होल लागी और का वजह ही? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि जो व्यक्ति खाद्यान्न ले जाता है विक्रेता, उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी होती है कि वो उसको सुरक्षित रख के गरीबों को जो हितग्राही हैं वहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन बीच में ही खाद्यान्न गायब हो जाता है, इसमें तो पूरा मिली भगत है। मेरे समझ से कुल मिला के मिली भगत है, प्रशासन का भी, विक्रेता का भी, या जो खाद विभाग वगैरह जो भी विभाग आते हैं, और चोरी की फिर रिपोर्ट लिखा देंगे कहाँ पे, थाने में। जैसा कि अभी चर्चा के दौरान एक बात आई कि भाई ये जो खाद्यान्न की एक गारंटी है उसके तहत ये पूरी जिम्मेदारी विक्रेता की होती है कि उसको सुरक्षित रखे और खाद्यान्न का वितरण सही पात्र हितग्राही को होनी चाहिए। लेकिन ऐसा न करके ये घोर एक अपराध कर रहे हैं और जिला प्रशासन को इसमें तरीके से और गंभीरता से संज्ञान में लेके कार्रवाई करना चाहिए। कितना यमे घोटाला लगभग जिला में होत हुई, लगभग कहेगी अपना देखिए काफ़ी वरिष्ठ हैं और लगभग ये सब व्यवस्था का बड़े भली भांत तौर से समझी लागे देखी लागे, यह बताइए कितना लगभग अनुमानित हुआ हो जात हुई घोटाला? देखिए, उदाहरण तौर पर ले लीजिए, अमरवाह में हुआ, तेंदुआ बाबा हुआ, कहाँ तेंदुआ अमरवाह में हुआ और बभनी में हुआ, तो एक एक से प्रायोजित तरीके से ये जो भ्रष्टाचार किया जा रहा, खाद्यान्न गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक प्रायोजित सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। ये आज से नहीं चल रहा है। ये बताइए कि जो विक्रेता होता है उसको कितनी तनख्वाह मिलती है? बहुत ही सोचने की बात है, समझने की बात है कि जिसको नाम मात्र का वेज के रूप में दिया जाता हो और उसकी हवेली अगर आप जाके देखेंगे तो 10-10 करोड़ की हवेली जिला के अंदर खड़ी हुई है कोटेदारों की, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या खाद्य विभाग की मिली भगत अवश्य इसमें नज़र आती है। मेरे समझ से निश्चित तौर पर बेहद शोचनीय विषय है कि सोचिए इतना नहीं, तो यह बताइए सिस्टम पर भरोसा नहीं है काहे इस सिस्टम वाले नहीं देखा ला गई अपना का देखा ला है, बमनी माहौल लागे कुबरी माहौल लागे, तो इनका ही पचे का करते जो ये जिम्मेदार बैठे? नहीं देखिए, सिस्टम क्या है, किसको सिस्टम मतलब सिस्टम है क्या जी? सिस्टम वही है भाई, एक खाद्यान्न देने वाला सिग्नेचर खाद्य विभाग हो गया, फिर कलेक्टर हो गया, फिर और नीचे चले जाइए विक्रेता हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, नियुक्ति हो गई, है ना? तो सिस्टम वही ना है। मान लीजिए मैं विक्रेता हूँ, है ना, मैं कोई गड़बड़ी करता हूँ तो मेरे ऊपर जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं हिस्सा उस खाद्यान्न में, उस खाद्यान्न की चोरी में कहीं ना कहीं है। नहीं तो अभी तक संज्ञान में जैसे चोरी हुई है, जैसे कि 200 बैग खाद्यान्न का निकल रहा है, तो जहाँ से निकल रहा है तो उस विलेज एरिया में, उस एरिया में लोग कोई ना कोई तो जानता ही, लेकिन बीच में ही खिलवाड़ हो जाता है। मेरे समझ में ये बात आती है। नहीं तो मतलब पूरे प्रशासन भी मिला हुआ है, चोर कहीं लगे? हाँ बिल्कुल है, सब चोर है भाई। अगर चोर नहीं है तो उसकी भाई जांच करिए, इंक्वायरी करिए। जी बिल्कुल सही बात, और सीधी बात, नो बकवास। आनंद सिंह चौहान जी के द्वारा कहा जाने लगे कि पूरा सिस्टम चोर है और यह चोरी माँ कुल मिलाए के एक निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक पूरे सबके हिस्सेदारी है। ऐसे ही ये पूरे मामला की पर्दाफाश नहीं हो पावे, घोटाला बंद नहीं हो पावे, हितग्राही जेका वास्तव में वह अनाज की तिर जरूरत थी वह जरूरतमंद तक वह अनाज नहीं पहुंच पावे। हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं, का कहब यह पूरी अव्यवस्था का लेके, अपना के द्वारा कहा गया कि पूरा सिस्टम चोर है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, कबो का निजात मिल पाई लागत है अपना का? निजात मिले के ये जो खाद्यान्न वितरण प्रणाली है, देखिए कनिष्क जी, तो हमें निजात मिले के जब के अधिकारी अफसर या जी हो जिला प्रशासन के मुखिया,
वो बात का गंभीरता से लेके और जाँच करा तो निश्चित रूप से निदान हुई। हाल में जौन यहाँ अपना के अमरवा खाद्यान्न के उचित मूल्य दुकान में चोरी भय ओकर रिपोर्ट लिखाई गई, यही तरह से बमनी में भय और कई एक जगह पर खाद्यान्न के चोरी भय। बमनी में 172 से 174 बोरी खाद्यान्न चोरी भा। आश्चर्य के बात यह कि वही खाद्यान्न के दुकान में चावल गेहूं सब रखा है जौन महंगे दाम में बिचाय रहा है, तो गेहूँ के चोरी बताई जा रहा ही पूरी, चावल और पड़ा रहा नहीं उठाई, 7-8 बोरी सिर्फ उठाइन गेहूँ के 172-174 बोरी उठाइन। ऐसे अब यह प्रतीत होता है कि जौन विक्रेता है या ऊपर के अधिकारी जौन हाँ सब लोगन के मिली भगत से चोरी होती है और जानबूझ के रिपोर्ट डाल दी जाती ताकि वह गोलमाल की जाए। और यह चोरी का लिखाई देह से खाद्यान्न के जो पात्र हितग्राही हैं उनका लोगन का खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो अभी अपना कहन कि यह पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक जो है यह पूरा मिला है, तब फिर अपना जांच कैसे करवाई ला है? नहीं, जांच में अब जिला के अधिकारी के संज्ञान वहाँ पर जो दहन है अब मिल के कलेक्टर साहब से बात कहें आज कहें आज अभी अभी तो इन सब में फिर से या तो खाद्यान्न का अलाटमेंट करके और उन गरीबों का हक दिलाना चाहिए और यदि नहीं दिलाते तो इनके विरुद्ध कार्यवाही करें। जिन दुकानों से चोरी हुई है चाहे उसमें विक्रेता फंसे या और समिति प्रबंधक फंसे या कोऑपरेटिव सेक्टर का कोई आदमी हो या फूड ऑफिस का कोई आदमी हो जो भी उसमें मिले जुले हैं उन सबके विरुद्ध जाँच करके कार्यवाही की जानी चाहिए और गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। नहीं तो यह बताइए जैसा अब कहन अपना कि यह पूरी टीम में काम कर रहा ही या फिर इनके खिलाफ कार्यवाही हो जाए, हम मान गए ठीक है कार्यवाही अपना यह जिला वाले से सोच रहे हैं ना कि इन कार्यवाही करी तो अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि गरीब के पेट में डाका डाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डाला जा या दुई जगह के अपना वृत्तांत बताए दी है, एक थे बम्भनी के बताए और एक थे अमरपुर के बताए अमरवाह के छमकर अमरवाह के। तो यह बताइए जब एक छोट जगह में यह में हो लगे, जिला तो बहुत बड़ा है अपन 400 ग्राम पंचायत है, तो कितना विस्तार रूप से यदि कहे कि कुछ चीज छिप जाती और कोनो चीज छपी जाती, कुछ चोरी अपना पचे देख ली है तो दो इंट पाए ना अपना बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जिला में तो और बृहद स्तर में बहुत हो रही है, दूसरे दुकान में तो यह स्थिति है कि वहाँ बेचारे अंगूठा छाप लोग हैं। हमारे लोगन के संज्ञान में जो हवा है ओकर हम बात कर रहे हैं, बाकी चोरी तो पूरे जिला में होती, पूरे खाद्यान्न के दुकान में होती और गरीबन के हक मारा जाते हैं। तो ये तो है नहीं तो यह हक के लड़ाई अपना लड़ी रहे हैं तो अंतिम निर्णय तक पहुंचे की उम्मीद है। जिला प्रशासन का दहन है, यदि जिला प्रशासन एवं संज्ञान में नहीं ले आवे और अपन कार्यवाही नहीं करे कहूँ आगे फिर एवं हम अपने सब वरिष्ठ साथियों से चर्चा करके आगे कदम उठावे है ना। तो चलिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी दान बहादुर सिंह जी है, यह का कहब कि यह में पेट में गरीबन के डाका डाला जाल लगे यह उचित आए? देखिए उचित तो न हो पर अपना से यह कह चाहब कि जो सीधी शहर के आसपास के आबादी है उम अपने जांच करब तो आधे से ज़्यादा जो मकान 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ के बने हैं वो कोटेदारन के हैं, तो अब कोटेदारन की तनख्वाह 1500 मिलत थी। ये भ्रष्टाचार न करते तो इतना संपत्ति कहाँ से अर्जित हो? और यह वह संबंधित विभाग के चाहे ब्रांच मैनेजर हो चाहे प्रबंधक हो चाहे कलेक्टर हो चाहे SDM हो चाहे फूड ऑफिसर हो, इस सब के मिली भगत से चोरी होती और सबके उनमें हिस्सा रहा था। नहीं तो यह मैं कब तक अपना पचे गांधारी बने धृतराष्ट्र बने देखकर रहा? हम बने अपने सरकार के आवे के इंतजार करें ना, हम आप पांच के सरकार मान ली भूखन मर जाए गरीब जनता जनता के लड़ाई लड़ी लागे भूमिका ना लड़ा। अब वही ने हम बने कलेक्टर साहब से निवेदन करें है, अब वही ने करें है सुने के कलेक्टर साहब का है और जाँच उनका करे का है। नहीं तो एक थे अपना रामधारी सिंह दिनकर के एक लाइन ही की याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा, तब अपना तो विपक्ष में है अवश्य होगा। नहीं तो जब मर जाए गरीब हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, मेरे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि माननीय कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये बातें ले अभी अभी उनके डाली गई, अगर ये उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग बैठ के एक मीटिंग करके उसमें अपनी रणनीति तय करेंगे और इसमें हम लोग जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो स्टेप है वो कड़ा से कड़ा स्टेप उठाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ कांग्रेस के जब वरिष्ठ दल
अब जो है हल्ला बोले की तैयारी कह रहा है। हालांकि शासन प्रशासन की नज़र पहले पड़ जाए चाहिए, अपना से पहले अधिकार उनका है, पावर उनके लगे है, व्यवस्था उनके लगे है, तो उनका कमी देख के उनका जल्द से जल्द पूर करे चाहिए। किंतु कहा थे ना अपना आईना के काम करी लागे, अपना पच्चे जब शिकायत करी नहीं तब देखब दिलचस्प हुई कि का जिला प्रशासन एमा कितना जल्दी एक्शन लेते है और गरीब जे वास्तव में पात्र हितग्राही हैं उनके पेट में जलात मार रहा है ओके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हैं और साथ में गरीब के पेट भरे के इंतजाम करते हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।